हाय दोस्तों, कैसे हैं? वेलकम आपको मेरे चैनल पे। आज मैं निफ्टी इंट्राडे निफ्टी और बैंक निफ्टी पे व्यू लेके आया हूँ। आज जहाँ निफ्टी देखेंगे, लो 844 का बनाया और हाई 930 का बनाया। अब क्लोजिंग अल्टीमेटली उसने 905 पे दिया, तो निफ्टी आज बहुत ऊपर नीचे हो रहा था। लास्ट मोमेंट में इसने अच्छा खासा पिकअप लेके ऊपर की ओर दिया। एडवांसेस 23 है, डिक्लाइन 27 है, मतलब यहाँ पे दोनों लगभग न्यूट्रल आप बोल सकते हैं। जो गेनर है वो गेल है, बीपीसीएल, इंफाटेल, एक्सिस बैंक और एससीएल टेक एज ए गेनर के रूप में है, और जो लूजर के रूप में है वो सन फार्मा। मैं आपको बोल रहा था इस पर कॉशियस रखिए, 456 में बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है इसको। यस बैंक प्रॉफिट बुकिंग हुआ, कुछ नहीं हुआ, ये आगे जाएगा। जेल, आइसर मोटर, SBI लूजर के रूप में है। तो अगर देखें FI ने यहाँ पे आज देखिए तो 842 करोड़ की खरीदारी की है, और DI ने आज बिकवाली की है, ये तो अच्छा काम हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, 727 करोड़ की बिकवाली की है। और अगर हम चार्ट पे देखें तो ये देखिए एक अच्छा सा बुलिश पैटर्न बना हुआ है। तो हो सकता है निफ्टी आपको 10980, 11088 और 11220 की ओर अप ट्रेंड में आप जाता हुआ आपको दिखे, लेकिन यहाँ पे क्या हर बार ये 980 से एक बार नीचे लेता है, तो आपको थोड़ा सा एक रेसिस्ट है। और अगर किसी कारण से वो 800 को तोड़ता है तो 725 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है इसको, आपको वो देखना पड़ेगा। तो स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं, इनफैक्ट आप जो इसका ही जो लो है आप 10775 है ये, तो 10775 के स्टॉप लॉस से भी जा सकते हैं। नहीं भी लगाएं तो कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि एक बार अगर 10980 क्रॉस कल तो आपको दिखाएगा और उसके बाद ऊपर की ओर जा सकता है, अगर ये क्रॉस क्रॉस करता है, जो कि कर देगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी तेजी देखने को मिल रही है। और ये बुलिश पैटर्न है, यहाँ पे हैमर ऊपर की ओर है, तो आपको अच्छा हो सकता है दिखेगा। अगर इंडिसेस की बात करें तो निफ्टी 50 में देखेंगे 10905 पे क्लोजिंग दिया है, और यहाँ पे जो देखेंगे तो 23 एडवांस है, 27 डिक्लाइन है। जो एडवांसेस है, जो मेन गेनर है वो गेल है, बीपीसीएल है, इंफ्राटेल है, एक्सिस बैंक है, SCL टेक है, TCS है। TCS आज अच्छा खासा गेन भी दिखाया है, 1895 की क्लोजिंग दिया है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, HDFC है, कोटेक बैंक है, ये सब है गेनर के रूप में। और जो मैक्सिमम लूजर के रूप में है वो है सन फार्मा 30 पॉइंट, 400 अब देखेंगे 455 का ये एक बार हाई बनाता है, और उसके बाद यहाँ से 422 का लो बनाता है, और जो क्लोजिंग देता है ये लो की ओर ही क्लोजिंग देता है 423 की ओर। आइसर मोटर 400 पॉइंट के साथ क्लोजिंग लगता है, इसको नीचे ही जाना है, तो 19755 के स्टॉप लॉस से आप रहिए इसमें। 19755 का तोड़ता है तो नीचे जाने की संभावना प्रबल है इसकी। टाटा स्टील सेक्टर में थोड़ा आप देखिए, लॉन्ग टर्म के टाटा स्टील अच्छा है, शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। टाटा मोटर्स 185-179 पे थोड़ा सा थका हुआ सा दिख रहा है, लेकिन ये ऊपर की ओर जाएगा, 220 तक जा सकता है। ICICI बैंक अच्छा ही है, बैंक निफ्टी उठेगा तो ICICI बैंक अच्छा उठेगा। तो जो मेन यहाँ पे लोजे यस बैंक, जेल, यस बैंक में प्रॉफिट बुकिंग हुआ, आइसर मोटर, SBI, बजाज फिंजर, यही सब है। और अगर मैं इंडेक्स की बात करूँ तो लगभग निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500 गेनर के रूप में है। बिग्स 16 पॉइंट बढ़ के थोड़ा सा खड़ा है, बाकी थोड़ा लूजर है। निगेटिव अगर सेक्टरल इंडेक्स की बात इंडस्ट्रीज की बात करें तो FMCG निगेटिव है 0.15 से, मीडिया 2.2%, मेटल 0.313, फार्मा 1.35, PSU बैंक में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है 1.56, और प्राइवेट बैंक में गेनर के रूप में रहे हैं। तो PSU बैंक में देखेंगे तो PSU बैंक में अगर देखें तो इंडिया बैंक, कनारा बैंक और PNB, ये तीन अप थे और 9 डिक्लाइन के रूप में थे। और वहीं अगर हम देखें प्राइवेट सेक्टर बैंक, PSU बैंक के बाद अगर हम देखें प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात देखें, लास्ट मोमेंट में जो इन्होंने क्लोजिंग दिखाई उसके दम पे ये अच्छा खासा अप दिखाई, 3 एडवांसेस, 7 डिक्लाइन है। टोटलिटी में तो बैंक निफ्टी में हो सकता है प्रेशर ऐसा दिख रहा है, लेकिन अल्टीमेटली कल आपको चूंकि 500 प्लस में क्लोजिंग दिया है तो ऊपर की ओर जा सकता है।
बैंक निफ्टी में देखे तो बैंक इस प्राइवेट बैंक में देखे तो एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक अच्छा कर रहा है। और जहाँ पे वहाँ पे देखेंगे तो यस बैंक, फेडरल, यस बैंक में प्रॉफिट बुकिंग है, फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट, कैपिटल फर्स्ट जो हुआ है बुक हुआ है, और साउथ बैंक, आरबीएल बैंक थोड़ा सा निगेटिव के रूप में है। और वहीं ऑटो सेक्टर में थोड़ा सा गेन आपको मिला है, आईटीबी में भी गेन मिला हुआ है। मेटल में देखेंगे तो मेटल में आप देखें तो वेदांता में गेन में, नेशनल एल्युमिनियम गेन में, जेएसडब्ल्यू गेनर में रहे, और सबसे ज़्यादा लूजर वेल्सपन कॉर्प, एनएमडीसी, सेल, हिंडाल्को, ये सब एज ए लूजर के रूप में रहे। तो अब आगे क्या करना है, कल के लिए क्या करना है, कल 18 तारीख है तो कल क्या करना है, तो आप देखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ तो शॉर्ट हो रहा है, और 11200 पे अनवाइंडिंग भी हो रहा है, 11300 पे अनवाइंडिंग हो रहा है, और 31 लाख और 37 लाख के साथ 11000 पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। लेकिन आईवी जो है इसका 11%, ये थोड़ा सा इसको अचीवेबल बताता है कि ऊपर की ओर आईवी जो है कम वोलेटाइल है, तो ऊपर की ओर ज़्यादा जा सकता है कंपेयर टू आईवी जो पुट की ओर है। और 11050 पे आप देखेंगे तो 11000 पे भी अनवाइंड हो रहा है और 10900 पे शॉर्ट हो रहा है। तो जो भी पोजीशन 10900 पे अच्छा सपोर्ट है इनको, और 10900 पे अभी से शॉर्ट होकर रहे हैं, तो 10900 का सपोर्ट बताते हुए 26 लाख, और बाकी देखें तो आप 10800 पे भी अनवाइंडिंग हो रहा है और 10700 की ओर राइटिंग हो रहा है, 10700 में राइटिंग हो रहा है, और नीचे सब जगह से अनवाइंडिंग आपको देखने को मिल रहा है, 10300 पे राइटिंग हो रहा है। तो पुट में हर जगह अनवाइंडिंग एक्सेप्ट 10900 पे राइटिंग हो रहा है, बाकी हर जगह आपको अनवाइंडिंग देखने को मिलेगा। इनफैक्ट 11000 पे भी अनवाइंडिंग हो रहा है, 11050, 11100, 11200 पे भी अनवाइंडिंग हो रहा है, 11300 पे भी अनवाइंडिंग हो रहा है। तो चूंकि चलिए कल का ये आज बैंक निफ्टी पे ऊपर नीचे दो बार दिखाया था तो इसके कारण से ये सिचुएशन बना है, लेकिन चार्ट पे जो सिचुएशन दिखता है ना उसके अनुसार दिखता है कि ये एक बार 10980 को टच करेगा, वहां से अगर जो डिसीजन लेना होगा लेगा, और फिर 11088 और फिर 11220 की ओर जा सकता है। प्रबल दावेदार है ये ऊपर की ओर जाने के लिए। तो अगर 10900 एट द मनी देखें हम, तो आज इसमें 3,23,000 का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, और उसकी वैल्यू जो है 121 रुपये की है। तो कोई भी चाहे तो 10900 के कॉल के ट्राई कर सकते हैं 121 के लिए, लेकिन यहाँ से क्या है ऊपर जो है 980 990 जो आपको बताया वहीं पे इसका एक बहुत अच्छा खासा रेसिस्टेंस है 10980 पे, वो आप अगर उस तरह कॉशियस होकर पोजीशन बना सकते हैं तो फिर अच्छा रहेगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे भी देखेंगे कि तो ये देखिए बैंक निफ्टी आज क्या किया, बैंक निफ्टी आज बैंक निफ्टी 27,561 पे ओपन हुआ, 27,609 का हाई बनाता है, लेकिन 561 के बाद वो नीचे जाता है, पहले 27,337 नीचे की ओर जाता है, और फिर लास्ट मोमेंट पे क्लोजिंग में एक साथ स्पाइक लेके 27,609 पे चला जाता है, और फिर आकर के रिकवरी दे करके 27,528 पे क्लोजिंग देता है। तो अब देखेंगे ये जो लोअर बोलिंग 27,258 से ऊपर जा करके ये, और ये ऊपर की ओर एक ट्रेंड बना रहा है, और हो सकता है कि ये आपको 27,769 770 वापस टच करके आपको दिखा दे। और जो पैटर्न बना है अब यहाँ पे पैटर्न की बात भी देखें तो आप देखिए इसको, ये बुलिश हैमर बना हुआ है, तो इससे ऊपर ही जाएगा तो हो सकता है कि ये आपको जो यहाँ पे है पहला आपको 27,612 और फिर आपको यहाँ पे 27,713 ये देखने को आपको मिल सकता है। तो 27,700 तक, 712-713 ये लेवल पे आपको कल हो सकता है देखने को मिल सकता है। तो किसी भी कारण से, कोई भी कारण से आप बैंक निफ्टी पे 27,450 का, इनफैक्ट आज का जो लो बना था बेहतर रहेगा, 27,337 बनाया था, तो आप आज के लो को टूटता है तो नीचे 27, फिर भी 27,350 का लो स्टॉप लॉस लगा के आप बैंक निफ्टी में भी बाइंग कर सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं। बैंक निफ्टी भी यहाँ से अच्छा दिखता है। और अगर मैं 24 जनवरी 2019 का 27,528 का है, तो 27,500 एट द मनी अगर देखूँ मैं,
तो 27,500 एट द मनी पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे सारे और कॉल राइटिंग ही हो रहा है क्योंकि प्राइस वैल्यू गिर रहा है। लेकिन यहाँ पे भी सेम हो रहा है, 27,500 पे देखेंगे तो 1,27,000 का ओपन इंटरेस्ट कॉल की ओर ऐड हो रहा है और टोटल 2,77,000 है। तो कॉल की तरफ ज़्यादा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अब इस तरह भी प्राइस की बात करें तो पुट पे ज़्यादा प्राइस है, तो शॉर्ट करेंगे अगर पुट को तो ज़्यादा प्राइस मिलेगा ट्रेडर को, तो उस हिसाब इस इनफैक्ट 211 रुपये इसका है, तो 27,500 रुपये, और इसकी बिल लास्ट डेट पर 176 है। लेकिन ओपन इंटरेस्ट जहाँ तक देखें तो 1,71,000 का ही 27,500 रुपये है इधर, और यहाँ पे 2,77,000 का। तो इस हिसाब से तो ऊपर की ओर दिखता तो है लेकिन बहुत ऊपर भी दिखने को नहीं जाता है। यहाँ पे आप हर लेवल पे शॉर्ट हो रहा है, 27,600, 27,700, 27,800, और सबसे ज्यादा अगर देखिए इधर तो हर लाख 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 करके एक एक 1,27,000, 1,57,000 ऐसे करके हो रहा है। तो हो सकता है रोल ओवर का भी सिचुएशन, हो सकता है ये रोल ओवर हुआ हो, आज क्लोजिंग थी बैंक निफ्टी की, तो यहाँ से कोई उतनी ज्यादा अच्छी क्लैरिटी नहीं मिली कि दोनों तरफ शॉर्ट ही हो रहा है। लेकिन अगर आईबी को देखा जाए, वोलेटिलिटी को देखा जाए, तो कॉल साइड में अपवार्ड देखने को आपको मिल सकता है कंपेयर टू पुट साइड। वोलेटाइल एक्सचेंजमेंट वोलेटिलिटी 11% इधर 11 है, और जबकि इधर वोलेटिलिटी 14 है, तो इधर कम एक्सचेंजेबल ज्यादा कम है वोलेटिलिटी, तो इस साइड में कॉल साइड में अपसाइड देखने को हो सकता है, जिसको यहाँ पे ये बुलिश हैमर जो है ये आपको सपोर्ट करता है कि यहाँ पे जा सकता है। उस तरह अगर हम एमएसडी लाइन देखें तो ये देखिए ये नीचे है, लेकिन ये ऊपर जा ऐसे क्रॉस करके अब ऊपर की ओर उठने के लिए तैयार है। आरएसआई भी देखें तो 5960 पे ओवरसोल्ड नहीं है, तो ये आपको अच्छा खासा आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी में पॉजिटिव बाइंग आपको देखने को कल के डेट में मिल सकती है फ्राइडे को, और हो सकता है ये मंडे भी कंटिन्यूटी के रूप में रहे। ये सारे एडवाइस जो भी थे ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से थे, कोई भी पोजीशन मार्केट में बनाने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लेंगे, जो भी करना आपको सिर्फ पेपर ट्रेडिंग करें। मैं मार्केट में कोई भी एडवाइस आपको डायरेक्ट बनाने के लिए नहीं देता हूँ, ये सिर्फ यहाँ पे एजुकेशन पर्पज से ये वीडियो देता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।